बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़, आपका मेज़बान मलिक शाफिक। नाज़रीन शामिल करते हैं आम खबरें इस न्यूज़ हेडलाइन में। नाज़रीन आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं। गुजरहान वार्ड नंबर 3 बड़की जीतीत के रायशी सब इंस्पेक्टर मलिक शफीक वार्ड नंबर 3 तकतीरे इलाके से इंतकाल करके, उनके इंतकाल की खबर सुनते ही अहले इलाका अजीज व अकारब और दोस्त अहबाब में रंजो गम का इजहार किया। मलिक शफीक नहायत मुखलिस और अच्छे अखलाक के मालिक थे, जबकि मलिक शफीक ने 1988 में बतौर जिला रावलपिंडी में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए और अपनी महकमे से मोहब्बत और जज्बे के साथ अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाई। उन्होंने सारी ड्यूटी जिला रावलपिंडी में सर अंजाम दी और इंतहाई ईमानदार ऑफिसर के नाम से जाने जाते थे। आज बड़की जदीद वार्ड नंबर 3 एक और आला शख्सियत से महरूम हो गई। मलिक शफीक मरहूम की नमाज जनाजा आज रात किसी भी वक्त अदा कर दी जाएगी। दुआ है अल्लाह पाक मलिक शफीक साहब को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन दोस्त बाप और अजीज व अकारब को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। पोठोहार यूनिवर्सिटी का क्याम हर मुमकिन अमल में लाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का विजन भी तालीम को फरोग देना है। इन ख्यालात का इजहार चौधरी जावेद कौसर MPA गुजर खान ने किया। उन्होंने कहा कि तालीम को फरोग देना हमारी हर अव्वलीन तरजीह होगी। उन्होंने मजीद कहा कि पोठोहार यूनिवर्सिटी के लिए 400 कनाल पर मुख्तिस जगह की चार दीवारी के लिए करोड़ों रुपए लागत खर्च कर दिए गए, जबकि उन्होंने इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम का फरोग वज़ीरे आज़म इमरान खान की अव्वलीन तरजीह है। जबकि मीडिया के सवालों के जवाब को हिसार यूनिवर्सिटी के मुतालिक पूछा गया तो MPA चौधरी जावेद कौसर का कहना था कि मरी के मुकाम पर ऑलरेडी वो जगह वहां पर मौजूद थी जहां पर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई। उन्होंने कहा कि मंदरा के मुकाम पर 400 कनाल के बाय मुख्तस जगह पड़ी हुई है जहां पर बहुत जल्द यूनिवर्सिटी का क्या अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा MNA सदाकत अली अब्बासी और सरवर खान ने भी यूनिवर्सिटी की मुकम्मल हमायत की और बहुत जल्द ये यूनिवर्सिटी अपने 5 साल इकतदार में यह जरूर बनाएंगे। उन्होंने प्रेस क्लब के मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि साबिक वज़ीर आज़म राजा परेशरफ गुजर खान के जानब से वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उनका काम बनता था कि वो यूनिवर्सिटी को बनवाते, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि चौधरी रियाज सूबाई वजीर भी रखे, उन्होंने भी गुजर खान की आवाम की तालीम के लिए कोई काम ना किया। उन्होंने कहा अपने 5 साल दौरे इकतदार में पोठोहार यूनिवर्सिटी का क्याम हर सूरत अमल में लाया जाएगा। गुजर खान की मुंतखब क्यादत पोठोहार यूनिवर्सिटी को बनाने में नाकाम रही। कोहसार यूनिवर्सिटी का बन जाना गुजर खान की क्यादत की नाइली का मुंह बोलता सबूत है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PPR गुजर खान के रहनुमा जमील अहमद ने किया। उन्होंने कहा कि गुजर खान के मुंतखब क्यादत पोठोहार यूनिवर्सिटी बनाने में नाकाम रही। कोहसार यूनिवर्सिटी का बन जाना गुजर खान की मुंतखब क्यादत की नाइली का मुंह बोलता सबूत है। गुजर खान के तुलबा व तालबा के लिए यूनिवर्सिटी का फौरी क्या अमल में लाया जाए ताकि इनको आला तालीमी सहूलियात मुयसर हों। दूसरे शहर में असूल तालीम के लिए जाने वाले तुलबा और तालबात के वालदैन को भी अपना अजाफी अखराजात का बोझ उठाना पड़ता है जो कि वालदैन के साथ जुल्म है। इन खिलाफ का इजहार मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार PPR चौधरी जमील अहमद ने मुकामी साफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा गुजर खान की आवाम के साथ सुतैली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। PTI ने जब अपोजिशन में थी तो इनके मुतालबात हक में आए रोज यही लीडर एहतजाज और जलसे जुलूस करते थे। आज जब इनकी अपनी हुकूमत है तो गुजर खान के बुनियादी मसाइल में कोई भी मसला हल ना हो सका। गुजर खान PTI की क्यादत आवाम के रहमो करम पर है और गुजर खान के आवाम के बुनियादी मसाइल फौली तौर पर हल किए जाए। भारत ने आज के दिन की मकबूजा कश्मीर की आईनी हसीयत खत्म कर दी, जिस मौका पर आज के दिन पाकिस्तान की 28 करोड़ आवाम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजारे यकजहती के लिए योम एहतसाल मना रही है। मुल्क भर की तरह मंडी बहावलद्दीन की आवाम भी सड़कों पर आकर योम एहतसाल मनाया और कश्मीरियों के साथ इजारे यकजहती की, जबकि मंडी बहावलद्दीन में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ इजारे यकजहती की और बाजों पर स्याह पट्टियां बांधी गई। जबकि इसके साथ साथ रैली की शिरकत से खिताब करते हुए मेंबर कौमी असेंबली हाजी इम्तियाज चौधरी ने कहा कि भारत ने आज के दिन की 5 अगस्त को जबरी लॉकडाउन करके कश्मीरियों को एहतसाल किया, जिस मौके पर आज हम योम एहतसाल मना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, आजादी में तनहा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पूरे कौम
उनके शान अबशाना खड़ी है। एडीसी आर मलिक जनफर आवान, एडीसी जी मोहम्मद शफीक और एसी मलिक काशिफ नवाज ने मुश्तरका तौर पर खताब करते हुए कहा कि हुकूमत की हदायत के मुताबिक भारतीय अफवाज के मुजालम को दुनिया भर में दिखाने और कश्मीरियों से इजारे इत्यादि के लिए 5 अगस्त को योम इत्साल भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की हसीयत तब्दील करके 1 साल से हजबाना कब्जा कर रखा है, जिससे मकबूजा कश्मीर की आजादी सलब हो चुकी है। जावेद, सब एडिटर एसपी न्यूज, मंडी बहावलदीन। बात करते हैं डेरा भट्टी की। डेरा भट्टी में भी मकबूजा कश्मीर के साथ इजारी चकचेती के लिए आवाम सड़कों पर आ गई। 5 अगस्त योम इत्तेसाल मनाया गया जबकि रैली निकाली गई जिसमें हर मकबाए फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हजारों की तादाद में अफराद ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह पाकिस्तान हाउस में भी योम कश्मीर इत्तेसाल पर मजलूम बहन भाइयों के साथ योम इत्तेसाल मनाया गया और उनके हक में रैली निकाली गई और आजादी जदोजहद के लिए आवाज बुलंद की गई। जबकि मियां खान भट्टी से खिताब करते हुए 5 अगस्त 2019 को भारत की जानब से कश्मीर की खसूसी हसीयत को खत्म करने का 1 साल मुकम्मल हो चुका है, जबकि आज भारत का मुसलसल जुल्म जबर इत्तेसाल और गुलामी के खिलाफ योम इत्तेसाल मनाया जा रहा है। 5 अगस्त को 2 दिन पूरी दुनिया में भारतीय दहशत वहशत के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई जाएगी। योम इत्तेसाल मनाने का मकसद अपनी कश्मीरी बहन भाइयों की जदोजहद आजादी की मुकम्मल हमायत करना है और पुरजोर मुतालबा है कि अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मकबूजा कश्मीर की आवाम को हक खुदारियत दिया जाए। मकबूजा कश्मीर पर भारत का मुकम्मल कब्जा और भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी तमाम कवानीन और इकदार की खिलाफवर्जी करके अपनी वैशी और गैर जमहूरी चिरे को बेनकाब किया गया। मोदी सरकार की फाशिस्ट पॉलिसी कश्मीरियों की जद्दियात को नहीं रोक सकती। बलोचिस्तान की कई आवाम मुसीबत के हर वक्त में अपने कश्मीर बहन भाइयों के साथ है। सुसीपोर्ट शहबाज शरीफ, एसपी न्यूज, डेरा भट्टी। गुज़श्ता रोज खूब की आवाम ने बड़े अकीदत और इत्राम के साथ 4 अगस्त योम शुहदाए पुलिस मनाया। खूब सिटी SHO अताउल्ला नुमानी ने कहा कि मुल्क भर में 4 अगस्त अकीदत और इत्राम के साथ पुलिस के साथ गुजारा गया। उन्होंने कहा कि शुहदा की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। लसबेला के शहीद पुलिस अफसरान एहलकारों को 4 अगस्त शुहदाए पुलिस के मौका पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया, जिन्होंने अपने इलाके की आवाम की जानों माल के तहफ्फुज के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। शहीद DSP अब्दुल अरब लास और शहीद इंस्पेक्टर क्यादत नफीस की कब्र पर SHO खूब सिटी अताउल्ला नुमानी अपनी टीम के हमरा फातिह रखवानी की। SHO अताउल्ला नुमानी का शहीद हमारे फखर के हमारे तहफ्फुज के लिए कुर्बानी देने से क्रेज नहीं करेंगे। अली गुल खान, SP न्यूज, लसबेला। नाजरीन, मजीद खबरों के लिए SP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।